हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसको अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं कराऊंगा, जैसे ये स्टेटस सेवर हो गया, ऐसे वैसे ऐप। ठीक है, कुछ भी, कोई भी आपको एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गैलरी में सेव कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, पर ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है इसलिए मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। यूट्यूब वाले स्टेटस सेवर जैसी कोई एप्लीकेशन करवाते हैं, GB, व्हाट्सएप, ये सब हो गया, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मैं सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि कैसे आपको अपना स्टेटस सेव करना है। ठीक है, तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आपको करना है व्हाट्सएप को ओपन। जैसे ये किसी का स्टेटस है, मैं इसको एक बार देखूँगा। ठीक है, मुझे अच्छा लग गया, मैं इसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को कर देना है क्लोज़। अब आपको माई फाइल्स में जाना है, किसी के माई फाइल नाम से होगा, किसी के फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर, ऐसे करके होगा, मतलब अपनी जो फाइल्स है उसमें जाना है। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर जाना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके एक फोल्डर होगा, ये रहा। अब इसके अंदर मीडिया में जाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे ही वो आपका स्टेटस सेव है, पर ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं किसी भी फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। किसी के थोड़ा अलग इंटरफेस होगा, तो मैं एक और फ़ोन के अंदर ये सेम करके आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें जाना है सेटिंग के अंदर, यहाँ पे होगा शो हिडन फाइल्स, ये ऑप्शन होगा एक, शो हिडन फाइल्स, इसको कर देना अनेबल, करना है बैक। अब ये देखिए, ये हिडन स्टेटस वाला जो अपने फोल्डर है ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको खोलो। अब ये देखो, जैसे मैंने अभी किसी का स्टेटस देखा था, ये देखिए, ये मेरी गैलरी के अंदर सेव्ड है ये स्टेटस। ये फोटो देखा था मैंने किसी का, ये भी मेरी गैलरी के अंदर सेव्ड है। ये देखो, होता है आपकी गैलरी में पर ये हिडन रहता है। ठीक है, तो ऐसे करना आपको। अब मैं आपकी स्क्रीन पे ऊपर एक होगा कि किसी और के फ़ोन में, मैं आपको करके बता रहा हूँगा, वो देख लीजिए आप। मतलब सबके ये सेम ही रहता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसके अंदर। अगर आपके फिर भी ऐसा कोई सेटिंग नहीं आ रही है कि आपके हिडन फाइल्स का कोई ऑप्शन आए, जैसे इसमें आ रहा है या अभी मैंने जो फ़ोन दिखाया उसके अंदर आ रहा था, तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक फ़ाइल एक्सप्लोरर का, जो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा है फाइल एक्सप्लोरर, ये आप इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट हिडन फाइल्स वाला ऑप्शन ऑन रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको सेम तरीके से जाना है, देख लीजिए आप। वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी मैं बता देता हूँ। इसमें भी ये इंटरनल स्टोरेज में जाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप वाला फोल्डर होगा। ठीक है, इसके अंदर अब मीडिया होगा, इसके अंदर ये देखिए स्टेटस वाला फोल्डर इसके अंदर भी दिखा रहा है। अगर आपके शो कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप इस फाइल एक्सप्लोरर को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर देखिए, ये सेम मेरे स्टेटस है जो यहाँ पे शो भी हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी थी बता देना कमेंट बॉक्स में, और अगला कोई सजेशन हो कोई और वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो थोड़ी भी। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।